तो कानू अकेली रह गई है चुलबुल को याद करके रो रही है। कृष्णा राजा सबको हेलो करो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ कृष्णा, मेरा नाम है गोपी राम। देख रहे को नहीं देख, और राजा बेटा है तो मेरा राजा बेटा। ले मम्मी पियो, ले मम्मी पियो। तो काई लखनी कोशिका मेरी छोरा ने पानी पी बागा भी लखन को ना ज्यादा मत भूसा जी वाले पानी पी रहे हैं वो। अरे अभी 6 मंथ का वो आता है ना, तो 6 मंथ बाद में अभी अभी सिखा रहे हैं। मौसी के पास 2 दिन रहेगा ना, मौसी सिखा देगी पानी पीना ना। अच्छा है ना, क्या ना राजा कर साल का जहल कोल को चबाऊं का फुरफुर नहीं करेगा, गाय फुरफुर नहीं करेगा, ठीक है ना, गाय है ना। नानी पहली बार गोदी में लीच गई ना, तू पहली बार गोदी में लीच गई ना, तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में भी तो गई थी तू कहीं दिन पहली बार गोदी में 50 ही टूटी गई तू। एक नान होते देखियो, एक देखियो तो इसके नाना स्कूल मिला लिया थी ना, कैसी कसी जब बोल तो छोरा नहीं करना नाना सुपो मिला पहले को नाना तो दिखाती यार मत ले आई जी को मामो थे क्यों को छोटरी लिए तो खरो को नाम दे बाबे नाना पहली बार गोद लेगी कृष्णा को ना पहली छी नाना नानी का ना अब काहे को नाना नानी अगर बकरा बकरी ना अब तो बकरा बकरी कौन है नाना नानी तो ये देव लव पहली तो पहली कृष्णा सब बच्चों को बकरी देते थे गोदी लेते थे जब नाना और नानी नाना नानी बकरा बकरी रखते हैं अभी भी हमारे को एक बकरी दे देते तो हम तो उसी से दूध पी लेते हैं ना है ना। वो याद पी लेते छोटो सोचा कोई बात तो हो गई है थोड़ी थोड़ी शाम, अभी इतनी धूप भी नहीं है। मैं जा रही हूँ भाभी के पास खेत में, भाभी करिए पूड़िया भेड़ी गेहूँ की, तो मैं थोड़ा सा काम कराया तू, एक एक पूड़ी भी उठाऊंगी ना तो थोड़ी बहुत तो भेड़ी हो जाएगी। गेहूँ तो ज्यादा थे नहीं, पानी था नहीं इतना, लेकिन जो भी थे उनको काट लिए, चारा तो हो जाएगा कम से कम। ये गांव पार्क भी गा चगी हो तो जाओ लग थोड़ा बहुत तो ना, हाँ बेस बेशा भी हो जाओ लग, चार हो जाओ लो बाबा जो चाहिए तो ना दो तो कौन वाला खेत का तो दो शिंदा का तो हो लो वाले थोड़ा बहुत तो नहीं क्यों तो को पड़े डन क्यों छोड़ दी आधा खेत में कर ली बेली करी कर रही चुन पीसा दे रहा हूँ थोड़ी बहुत मारी ची तो पीसा तू देखो माया दीदी पूलिया उठा रही है ये तो बड़े थोड़ी बहुत हेल्प कर देनी चाहिए, अभी हो रहे हैं बादल में सोची थोड़ी सी इनको इकट्ठी करा, आज इनको निकलवाएंगे। तो ये बड़े वाले भैया के हैं गेहूं जिनको माया इकट्ठा करी है, भाभी और आज खाना बना रही है चूरमा बाटी बना रही है, चूरमा बाटी मैं तेरा वीडियो बना रही हूँ ना, वो मेरी भाभी भी आ गई वो इकट्ठा करेगी अभी इसको, ये देखो ये पानी कम हो गया तो यहाँ पे देखो पेड़ों की हालत देखो सूख गए बिल्कुल पेड़। अरे यार भाभी पेड़ों में पानी नहीं डालते हो क्या, जब हम छोटे छोटे थे ना, मैं छोटे छोटे थोड़ी ना सॉरी, हम जब हम रहते थे ना यहाँ पे घर पे तो हमारा काम यही होता था, सबसे ज्यादा माया का होता था कि माया इनमें सब में पानी डालती थी, जैसे बिल्कुल हरा भरा रहता था घर, लेकिन अब बिल्कुल पानी सूख गया है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल तो क्या भाभी कम हो गया है ना पानी, बिल्कुल कम हो गया है। तो ये एक ही खेत होता है, एक ही खेत है जिसमें गेहूं है, गेहूं ही है ये जो है यहाँ गेहूं है,
तो इसको आज भाभी बोरी की शाम को निकलवाएंगे, बादल हो रहे हैं इसलिए। और ये देखो माया हेल्प कर रही है, फटाफट कर माया, हाँ फटाफट कर। बांदर पट गए हैं, ऊंडी से बांदर ले आऊंगा से। चलो वीडियो बनाऊंगा तो मन भर दिल चाहूंगा। ये देखो बादल हो रहे हैं। भाभी कहाँ जाएगी? उसमें क्या है? गऊ। तो ये दोनों एक ही तो खेत है। लेमन दे दे। अलग अलग। तेरना ना बजाय ऊंडी से लियो। जाइ दो नहीं गवान कर लो या ई मारा। या ना मैं पटक दी। तार वीडियो रिकॉर्डिंग हो गो काई के दी काम चोर करा दो थोड़ी सी। माँ ये दिखाइए पातड़ा, ये पातड़ा इनको इनके ना अचार और सब्जी दोनों बनती है। फिर उससे क्या होता है? गुण भी बता साथ में। मुझे नहीं पता गुण का तो, लेकिन मम्मी ऐसे बोलती है कि इनको खाने से ना जो हाथ पैरों में घुटनों में इनमें दर्द होता है वो नहीं होता। फिर तो मैं हमारी सासू भी ले जाऊंगी। तो ले जा तोड़ू क्या? मम्मी जी का बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे सारे पेड़ों के देखो कितने सारे आ रहे हैं ये। और जिस किसी को भी चाहिए तो आप मैसेज में बोल सकते हो, माया लेके आ जाएगी। कोई ले उन्हें बकरे खाओ कर दे, बकरे खाओ जन कोई को खाओ। काम कर तू जल्दी जल्दी। या काय ने या गणी काम चोर देखो खड़ी रहेगी। तार वीडियो बनाऊंगी मैं आज। भाई सब मजाक नहीं कर रहे, हम दोनों बहनों ने मिलके काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत पूरी इकट्ठा कर रहे हैं, इनको भी मैं करवा देते हैं, हो जाएगा थोड़ा बहुत काम। ज्यादा तो देखो सही बताओ ना, होती है ज्यादा तो कराएंगे नहीं। ये थोड़ी बहुत है ना, ये पास पास के इनको तो इकट्ठी करा ही देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा तो ये इसके पास ही छोटा बच्चा है ना, फिर वो इसमें लग जाएगी ना तो गर्मी में हो जाएगा। तो ये नाइट का सीन कुछ ऐसा है हमारे घर पे ना, बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा है। अभी ना मम्मी बता रही थी कि यहाँ पे ना मतलब जरक है, पता नहीं क्या बोलते, जरक बोलते हैं आप, पता ना क्या बोलते हैं यहाँ पे ना। तो एक दिन नहीं, अभी दो चार दिन पहले भैया उधर क्या है ना, गाड़ी चल रही थी तो उसको देखने गए थे पहाड़ों की साइड पे। तो वहां पे ना भैया को रास्ते में ना गाड़ी के सामने दो जरक आ गए। तो भैया ऐसे बोल रहे थे ना, बहुत मतलब बड़े बड़े थे वो, और सामने आके गाड़ी के सामने आके खड़े हो गए, बिल्कुल डरते भी नहीं है। और तो भैया ने तो वहां से थोड़ा सा मतलब वहां पे क्या ना कोई पानी का वो था तो रात को उसको देख के भैया सोच रहे थे मैं हाथ पांव दूंगा यहाँ पे रुक के। लेकिन वो जैसे ही थोड़े से आगे गए उनको तो भैया वो दिख गए, तो वापस घूम के आ गए। तो ये ना बहुत मतलब डरावनी चीज है, अगर मान लो वहां पे उतर जाते हाथ पांव धोने लग जाते, क्योंकि जानवरों का कोई भरोसा नहीं है। और वो तो वैसे ही बहुत खतरनाक होते हैं, यहाँ पे कुत्तों को नहीं छोड़ते, कुत्तों को और इनको उठा के ले जाते हैं। वो पता नहीं शेर है जरक है क्या है, लेकिन यहाँ पे ना जानवरों का भी बहुत हुआ है मेरे को तो अभी पता है ना। बाहर इधर डर लगता है मेरे खेतों की तरफ भी आसपास, मतलब खुला है ना तो इसलिए डर ही लगता है। ऐसे बताऊँ जानवरों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी कभी भी आ जाए। तो ये चीजें आप बताना, मतलब मैंने भी पहले हम रहते थे ना यहाँ पे जब भी कहना, अब तो इतने पेड़ नहीं है, छोटे छोटे थे ना, मेरे को याद है वो चीजें, पेड़ नहीं है पहले इतने, जस्ट के पास में है ना यहाँ से थोड़ी सी दूर इतना भयंकर जंगल था, मैंने मेरी आंखों से देखा हुआ था। इतने भयंकर जंगल था कि पास में खड़े मतलब उस जंगल में कोई घुस जाता है ना तो दिखता नहीं था, इतने भयंकर जंगल था यहाँ पे। मैंने मतलब मैं छोटी सी थी ना तब मैंने देखा हुआ था, मेरे सामने पूरा जंगल कटा था। ये पूरी जो ये कॉलोनी बसी हुई है ना यहाँ पे, मेरे सामने बसी हुई थी। तो उस टाइम पे देखते थे वो जानवर, उस टाइम पे आते थे जरक वगैरह, क्योंकि रात को पहले ना खेतों में इनमें पानी देने के लिए जगते रहते थे पापा मम्मी और, तो ये बोलते रहते थे कि अभी इधर से आया था इधर से वो आता, तो वैसे सुनती थी वो चीजें। और मैं अभी आज सुनी हुई ये चीज इतने दिनों बाद में कि वापस से वो जानवर आ गए, क्योंकि इधर अब सारा सुन रहता है, इतना वो नहीं रहता। पहाड़ है वो भी पहले के जैसे नहीं चलता, कभी कभी चलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जानवरों ने वापस से वो कर लिया है। well done.